एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 13, हमने लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालनी है और उनकी नेचर बतानी है। फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्व टू 4/15 एक्स स्क्वायर प्लस 4। उस क्रिटिकल पॉइंट्स के सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो 4/15 एज इट इज आ जाएगा कॉन्स्टेंट, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो ये हमारे पास बन जाता है 8/15x। और 4 चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0। हमारे पास ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, पहला डेरिवेटिव। अब इस पहले डेरिवेटिव को क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। अब इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया, अब इसको सॉल्व करना है। तो दोनों साइड पर अगर हम 15/8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 0 टाइम एनीथिंग इज 0, ये 8 इसके साथ 15 इसके साथ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये हमारा हमारी x वैल्यू है क्रिटिकल पॉइंट की। y वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस ओरिजिनल फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं। तो हमने ओरिजिनल फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 0 पुट कर दिया, सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 4। ये हमारी y की वैल्यू है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये पॉइंट हमारा कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट या लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। अब इसके ऊपर रिलेटिव मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो हम एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देते हैं रियल नंबर लाइन के ऊपर। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि इसके लेफ्ट पे कोई एक पॉइंट लो, राइट पे कोई एक पॉइंट लो, उन पे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हमने लेफ्ट पे 0 के -1 चूज किया, राइट पे हमने 1 चूज किया, कोई से भी दो सिंपल पॉइंट्स आपने ले लेने। अब -1 को फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर एक्स की जगह पे पुट कर दिया, तो आंसर क्या आ गया -8/15, जो कि लेस देन 0 है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में 0 के लेफ्ट पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। इसका मतलब है जब हम 0 के करीब आ रहे हैं तो हमारा फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है। इसी तरह जब हमने 1 पुट कर दिया फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, तो वहां से वैल्यू आई है 8/15 पॉजिटिव, विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि जब हम 0 से दूर जा रहे हैं तो हमारा फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए 0 के करीब करीब फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, छोटी है बाकी के नस्बत। इसीलिए इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर, इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इस ग्राफ को अंडरस्टैंड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि रिलेटिव मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। अब अगर अच्छा, उन्होंने एक और भी पूछा हुआ है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर दोनों का साइन एक जैसा होना चाहिए, 0 या क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे, उसके लेफ्ट पे नेगेटिव है, राइट पे पॉजिटिव है, सेम साइन नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। यहाँ आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन खत्म हो गया। लेकिन अगर उनने पूछा हुआ कि आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करो, फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने जो आप निकाल चुके ऑलरेडी 0 और 4। अब आपने क्या करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव का, 8/15x का डेरिवेटिव क्या होगा सेकेंड, 8/15। अब इस डबल डेरिवेटिव के अंदर आपने क्रिटिकल पॉइंट की एक्स वैल्यू पुट कर देनी है, जब मैं एक्स की जगह पे 0 पुट कर देता हूँ, आंसर वही है 8/15, जो कि पॉजिटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर आपका डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव है, तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर मैक्स फंक्शन क्या है, कनकेव अप है। कनकेव अप का मतलब ये होता है इस तरह का है, इस पॉइंट के ऊपर जो आपका पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, इसके ऊपर क्या है, कनकेव अप है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, पूरे ग्राफ में देखिए सबसे छोटा पॉइंट है, इसीलिए इसको कहते हैं रिलेटिव मिनिमम एट द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक काफी है, ये किसी और पार्ट के लिए था, इसीलिए आप इसको रहने दें।